राजधानी दिल्ली में आईएस आतंकवादी रचिते बड़धरण षड़ सब योजना को पंड कर दिल्ली पुलिस दिल्लीर आईएस आतंकवादी पुलिस मुखामुखी दिल्ली धोलाकुआर रिंगरोड निकटे आईएस आतंकवादी लुचि खबर पाए दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम से स्थान को घेराबंदी कर गुचाला कर पुलिस गुड़ विनिमय पर जड़े आतंकवादी पुलिस हाथ में धरा पड़ी घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन जारी रही गिरफ्त होता आतंकवादी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश बलरामपुर बासिंदा पुलिस पक्ष सूचना दी आतंकवादी पाखु मारात्मक विस्फोरक आईडी जबत कर दिल्ली में बड़धरण आक्रमण षड़ विफल होता नहीं स्पेशल सेल डिप्यूटी कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा सूचना दी भारत पाकिस्तान सीमार पांच जन अनुप्रवेशकारी निहत कर बीएसएफ जवान पंजाब तरनातारन में पांच जन पाकिस्तानी सीमा अतिक्रम करने चेष्टा करते अटकवाई चेष्टा करता बेले बीएसएफ जवान गुली करने आरंभ कर जवाब में बीएसएफ 103 बटालियन गुली चालना करते घटनास्थल में पांच जन अनुप्रवेशकारी मृत्यु होता झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री बापा तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री शिव सोरेन को करोना तांको पत्नी रूपी सोरेन करोना संक्रमित होती दुईजन को आइसोलेशन रखा रखी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोना टेस्ट करा सूचना रही पूर्वतन मुख्यमंत्री घर 17 जन कर्मचारी करोना पॉजिट चिन्हट होती जहां शिव सोरेन और पत्नी करोना परीक्षा कर देशरे उपर महा करोना मीटर 30 लक्षर निकटतर होती आक्रांतों संख्या 24 खंडे सारा देश में 69 हजार अधिक पॉजिट चिन्हट पर मोट आक्रांतों संख्या 30 लक्ष निकटे पहुंची जाए गत 24 घंटे देश में 79878 नुआ आक्रांत चिन्हट होती आक्रांतों मिसाई मोट आक्रांतों संख्या 29,75,702 रही 945 नुआ मृतकों सहित देश में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 55,794 छुई देश में 697,330 एक्टिव केस रोचे चिकित्सा पर डाक्तरखाना सुस्थ होती 22,22,578 जन केन्द्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एने सूचना जारी कर देश में कोरोना संक्रमण प्रथम स्थान रही महाराष्ट्र 24 घंटे में महाराष्ट्र में 14,161 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले मोट आक्रांतों संख्या 657,450 रही गोटे दिन में 349 जन मृत्यु सहित मोट मृत्यु संख्या 21,698 रही महाराष्ट्र में सक्रिय मामला 1,64,879 बेले 4,70,883 जन सुस्थ होती देश में कोरोना संक्रमण द्वितीय स्थान रही तमिलनाडु 24 घंटे एठार 5,995 आक्रांतों मिसाई संख्या 3,67,430 पहुंची 24 घंटे 101 जन मृत्यु पर संख्या 6,340 पहुंची 3,07,677 जन कोरोना कबल सुस्थ होती 53,413 सक्रिय मामला रही तृतीय स्थान रही आंध्रप्रदेश 24 घंटे 9,544 नुआ आक्रांतों मिसाई आंध्रे 3,34,940 पॉजिटिव केस रही 24 घंटे 91 जन मृत्यु होती राज्य में मृत्यु संख्या 3,092 को वृद्धि पाई सेपरे चतुर्थ स्थान रही कर्णाटक 24 घंटे 7,751 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले 2,64,546 पहुंची आक्रांतों संख्या 24 घंटे 93 जन मृत्यु पर कर्णाटक में कोरोना 4,522 जन जीवन नहीं पंचम स्थान रही उत्तर प्रदेश 24 घंटे 4,905 जन आक्रांत चिन्हट होते मोट आक्रांतों संख्या 1,77,239 रही 24 घंटे 64 जन मृत्यु होता बेले मोट मृत्यु संख्या 2,797 रही षष्ठ स्थान रही राजधानी दिल्ली 24 घंटे एठार 1,250 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती मोट आक्रांतों संख्या 1,58,604 24 घंटे 13 जन मुंड नहीं महामारी एवं सुधा दिल्ली में 4,270 जन करोन प्राण हर सारे सुशांत बांद्रा स्थित घरे मृत्यु पर दृश्यर रिक्रिएसन कर सीबीआई सुशांत रोसेया नीरज तांको बंधु सिद्धार्थ पठानी को नहीं घर विभिन्न स्थान में रिक्रिएसन कर सीबीआई मृत्यु पर सुशांत बासभवन में कौन कौन घटी से नहीं तथ्य हासिल कर सीबीआई गतकालीठू नीरज को पचराउचरा कर सीबीआई आज सिद्धार्थ पठानी को नहीं पचराउचरा कर पुलिस सेपटे बांद्रा पुलिस स्टेशन भिसरा रिपोर्ट भिडियोग्राफी निज अख्तियार को नहीं सीबीआई सुशांत मृत्यु सत बाहर कर सब रिपोर्ट तेरे जांच हो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुशांत रहस्यजनक मृत्यु तदंत आरंभ करने दिन मामलार टेक्निक छानबीन चलाई केन्द्रीय तदंतकारी संस्था
ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏମ୍ସର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଚାରିଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିବିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିକଟରୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇସାରିଛି। ଏମ୍ସ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତା ଅନେକ ଜଟିଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମୁଣ୍ଡେଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ସିବିଆଇ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତା ସିବିଆଇ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ନିରୁପମ ପାଠକ, ଶିବାନୀ ଭଟ୍ଟନାଗର ମର୍ଡର କେସ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ କଟାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିପାରେ। ଚୀନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା, ଏହି ଝଟକା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଚୀନ ସହିତ 44 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଏନେଇ ରେଳବାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନର ଏହି 44 ଆଧୁନିକ ରେଳ ପାଇଁ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ 1500 କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ରେଳ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଇଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ସିଆର୍ସିସି କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଏହି ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 44 ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଆଧୁନିକ ରେଳ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 6 କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି 6 କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲା ସିଆର୍ସିସି କର୍ପୋରେସନ। ଏହା ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ପଛରେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତର 44 ନୂଆ ରେଳ କୋଚ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି।